कि मैं यहाँ पे अभी फंस गया हूँ और मैं ऑल द पुलिसमैन के साथ हूँ। लेकिन वापस जाने का यहाँ पे कोई ऑप्शन बहुत मुश्किल से मिलता है और ग्रैब यहाँ पे है नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई मेरे, तो अब मुझे ये टुक करना पड़ा क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ा 80 baht में। इट्स लेट, मुझे बहुत लेट हो गया था इस वजह से मेरा ये सब थोड़ा गड़बड़ हो गया प्लान पूरा। सो यही है कि यहाँ पे अगर कभी आपको आना हो, रियली कह रहा हूँ, टूर में आना सबसे बेस्ट है। दूर है ये बैंकॉक शहर से, एक अलग शहर है ये, अलग सिटी है, करीब 2 घंटे का इसका रास्ता है इसी वजह से। तो कैसे भी करके मुझे मेरे हॉस्टल तक पहुंचना है। तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये एक हाईवे है। सो टुक टुक वाले ने 80 baht लिए और मुझे ड्रॉप कर दिया यहाँ पे हाईवे पे। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में मिनी वैन आएगी, सो वो मुझे वहाँ तक ले जाएगी जहाँ से मैं आया हूँ। और मैं ऑल द पुलिस मैन के साथ हूँ अभी, सो इट्स वेरी नाइस। काफ़ी लेट हो गया इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके चलता है। सो गाइस अभी है हम फ्यूल स्टेशन पे और यहाँ पे फ्यूल हो रहा है। मिनी वैन हमको मिल गई फाइनली बहुत मुश्किल से, और उसके लिए पुलिस वालों ने काफ़ी मेरी हेल्प की। यहाँ की थाईलैंड पुलिस बेस्ट है, मतलब थम्स अप, थाईलैंड पुलिस इज़ वेरी 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 गुड बिकॉज। और काफ़ी देर मैंने थाईलैंड पुलिस वालों से काफ़ी बात की, काफ़ी हंसी मजाक की, मैंने अपना YouTube चैनल भी उनको दिखाया, उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। सो पीपल यहाँ की बहुत गुड है। उसके अलावा अगर कभी कैसी सिचुएशन में फंस जाए, जैसे आज की सिचुएशन में फंसा हूँ मैं, बहुत टिपिकल सिचुएशन थी, सुबह से मेरी हालत ख़राब हो गई है समझ लो आप। शाम तक मेरे सारे जो प्लान थे वो सारे कुछ पूरे नहीं हुए और काफ़ी प्रॉब्लम हुई कि मैं यहाँ पे अभी फंस गया हूँ और मुझे बहुत देर लगेगी। शायद बैंकॉक पहुँचूँ तब तक मुझे 12:30 या 1 बज जाए, बैंकॉक पहुँचूँ तब तक। तो ऐसी सिचुएशन में भी ठीक है, घबराना नहीं चाहिए। कभी किसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आप थोड़ा सा काम होकर रिलैक्स होना चाहिए, और जब ट्रैवल करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती है, तो दिक्कत नहीं है, चलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। सो नाउ अब कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा इस वैन में एक स्टॉप पर जाने के लिए, उसके बाद और बैंकॉक के लिए जाएंगे। यहाँ तो BTS है नहीं, सो टैक्सी मुझे लेना पड़ा। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है मेरा हॉस्टल जो है, सो वहाँ पर जाना है। पढ़ने वाली है आई थिंक, बट क्या करें, होता है कभी कभी एक्सपीरियंस ऐसा भी। वैसे भी अगर कभी किसी सिचुएशन में हो तो आपको सही सलामत घर पहुंचना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि पैसा लग रहा है ऐसा, वो परवाह नहीं करनी, आप टाइम पे पहुंच जाओ वो सबसे बड़ी बात है।
तो आज एक ही दिन में हमने पांचों ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर लिए हैं, सिर्फ एक फेरी बाकी रहा है, वो शायद कल हो जाएगा। टुक टुक हो गया, टैक्सी हो गई, ट्रेन हो गई, उसके अलावा मिनी वैन हो गई थी और बाइक भी हो गई थी। एक बात है, बैंकॉक की सड़कें इतनी प्यारी है, इतनी स्मूथ है। टुक टुक वाला ने तो बहुत डर लगा मुझे, जब टुक टुक में बैठा उसकी स्पीड थी 100 से बार टुक टुक चला रहा है, इतनी स्पीड में बहुत डर लगा। बट वो वेल ट्रेंड है, उनको आदत है इसलिए वो चलाते हैं। और वैन भी जो आई है 120 110 130 इस स्पीड में आई है वैन। भाई असली बैंकॉक तो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी जो ये यहीं पे सारी कौन सा एरिया था फिर भाई साहब को तो इंग्लिश आती नहीं है पर नहीं से पूछ लेता मैं कि कौन सा एरिया है ये। इस लेफ्ट या ओके। टैक्सी बहुत महंगी पड़ी भाई ये तो। उस जगह पे ग्रैब अवेलेबल थी नहीं इसलिए मैंने टैक्सी बुक की थी। सो और लेट भी बहुत हो गया था तो मैं ओवर टाइम से बचना चाहता था इस वजह से। सो गाइस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, डोंट गो टू बाय सेल्फ, आप खुद से मत जाइए वहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट या ट्रेन मार्केट, आप टूर करें उस टूर से ही जाना, वो बहुत इजी पड़ेगा आपको, वरना टाइम ख़राब होगा और कोई मतलब नहीं है। आज का पूरा दिन ख़राब हुआ है बट एक्सपीरियंस मिला, इससे कुछ सीखने को मिला, सो आई एम स्टिल हैप्पी। टैक्सी का बिल हो गया है 215 baht। सो गाइज 7-Eleven से कुछ ले लिया है और आज भी डिनर करने का टाइम मिला नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें और बस सपोर्ट दें, आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय। अब जा रहे हैं स्टेशन बैंकॉक और वहाँ से जो मेरा नेक्स्ट होस्टल है होटल है वो है करीब 20 किलोमीटर।